गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। और जस्ट अभी घर पहुंचे आज सुबह से। और कीरत भाई साहब को देखो क्या कर रहे हो। हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? सुजुकी की कार देख रहा है। क्यों? अच्छा, टॉय कार लेनी है इसको। टॉय ऑर्डर कर रहा है, कह रहा है सुजुकी की जिम्नी की कार देख रहा हूँ, टॉय ऑर्डर कर रहा हूँ। और प्रीति बुला रही है। प्रीति बना रही है रात का खाना। क्या भाई क्या बन रहा है? टिंडे तोरी। तोरी इसमें ये टिंडा है, ये मशरूम और घिया, और साथ में बन रहा है सूप। भाई मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट सा हो रहा है और सूप बन रहा है। और आज दिल्ली हमारी पूरी बाढ़ बाढ़ हो चुकी है। मतलब ITO पुरानी दिल्ली साइड और जो स्वरूप नगर बुराड़ी ये सारी साइड सारा पानी आ चुका है। और मतलब दिल्ली वालों से अपील कर दी है, दिल्ली वालों से अपील भी कर दी है कि इधर वाले रास्तों में मत आए। और पाली बुआ ना जाने की कर रही थी कि मैं कल जा रही हूँ, और बाढ़ आ गई है तो उनका जाना भी कैंसिल हो चुका है। क्योंकि जहाँ वो नोएडा रहती है वहां पे भी 4-4 फुट पानी आ चुका है और बहुत तेजी से पानी का फ्लो बढ़ रहा है। हाँ जी भाई साहब, 400 रुपए की डिफेंडर ले लो। दिखाओ, अभी हम डिफेंडर बुक करेंगे। कहाँ गई भाई? क्यों भाई, बच्चे को लेके देने क्या दिक्कत है? यह सब हम लेके देंगे। हाँ, उसको अम्ब्रेला लेके दो जो चाहिए। क्या लिए? उसको अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, ऐसी चीजें लेके दो जो बच्चा खेलेगा। ले ले या अम्ब्रेला लेके उड़ेगा और खेलेगा? नहीं यार, छोटी छोटी चीजें बनाओ ना। ये क्या गाड़ी, ये क्या क्या बनानी है? गाड़ी भी बनानी होती है। आज छोटी गाड़ी लेगा तो कल बड़ी गाड़ी भी लेगा। पहले उसको बोलो कल टेस्ट है, उसके लिए पढ़े। कल टेस्ट पे पढ़ना भाई, समझा? किसने लिखा है? स्टक इन सम प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आई। एंड द किंग लॉयर सेव्ड, लॉयर ने उनको सेव करा सारे जानवरों को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऑलवेज हेल्प ईच अदर, हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। इसकी पढ़ाई हो रही है और इसका टॉय ऑर्डर कर दिया हमने, और वो आएगा अब सैटरडे को। 23 सेक्टर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं स्कूटर पे। चल प्रीति, तू कहाँ है? मैं ऐसे लेके नहीं जाऊंगी यार, तू कीरत बैठ जा, 10 मिनट में आ रहे हैं ना। मैं लेके नहीं जाऊंगी, मैं तो कैंसिल करूं। कह रहा है मैं जाऊंगा, वो कह रहा है मैं लेके नहीं जाऊंगी। अब देखो पता नहीं क्या डिसाइड होगा, मैं तब तक स्कूटर स्टार्ट करता हूँ। 23 सेक्टर जाना था, वो भाई साहब स्कूटर की चाबी लेके भाग गए हैं। स्कूटर की चाबी लेके ही भाग गया, कह रहा है मैं पटका बांध के आ रहा हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बांध पटका अब जल्दी से, पटका ही ले आया, कह रहा है यहीं बांध लूंगा। अरे यार ये गाँच। तो तू बांध के क्यों नहीं रखता? घर पे आता है जब स्कूल से तो जूड़ी पे रुमाल लगा लिया कर ना। तो हम 23 सेक्टर आ चुके हैं। मम्मी गई है प्रेम डेयरी पे। सही लेके आया? कहाँ सही लेके आया? चल आ इधर, चले जल्दी आ जा। किधर? अरे हम वहाँ चलते हैं स्कूटर के पास। तू 23 सेक्टर आके मेरा खर्चा कराता रहा कर। मेरा काम ही यही है, मेरा नाम ही यही है। इसको पीना मोहितो, और प्रीति ले रही है उधर सामान ले आया पीने के लिए। मैंने चिली चिकन भी ले लिया। सही है, रोटी खा लेगा अब जाके? बोल तो दे। है रोटी खा लेगा? तो हमने दीपक भैया से चिली चिकन पैक करा लिया है और मोमोज कराने हैं। खा ले, सोच ले प्रभनूर के लिए। नहीं तो चलो, खत्म हो गई चटनी। प्रीति खरीद रही है मोमोज, हमसे पहले बोल दिया नहीं लूंगी, फिर जाके लेने लगती है। गिरेगा? आ रही है, जाए ये ले। आ गई, ले ले। चलो चटनी आ गई। लिया सारा सामान? कुछ रह गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पेट्रोल तो खत्म हो गया किरत। ओके चले। जाम लग गया 23 सेक्टर में। और एक चीज और बताऊं, और तेज बारिश शुरू होने वाली है, बूंदाबांदी चालू हो चुकी है और हमारा भीगने का टाइम भी शुरू हो गया। क्यों किरत? भीगेगा? भीगेगा? इसको कपड़ों की पड़ गई है कि मेरे कपड़े पड़े हैं बाहर, जब भीगेगी उसका क्या होगा? कपड़े नहीं सूखते।
आप कहाँ घूम रहे हो? गांधी भैया के साथ। घर रेस्ट करो, घर रेस्ट करो, बारिश हो रही है। गांधी इनकी दूसरी सहेली। ज्यादा बारिश नहीं हुई पर हुई है और हम पहुंच गए हैं घर। नॉर्मल बारिश में हम घर पहुंच गए हैं, अगर ज्यादा होती ना तो भीग जाते, और भीग भीग के क्या होता है, मैं भीग जाऊँ भीग जाऊँ। एटीवी को भैया ठीक भी कराएंगे, हम सोचते हैं एटीवी भी ठीक कराए। ठीक क्या कराना है, बेसिक है वो, पेट्रोल वेट्रोल डला के स्टार्ट करने और सर्विस करानी है ओवरऑल, और मस्त चलती है ये। लगवा देंगे किरण, वो तो बंदे को दिमाग लगा के काम करना चाहिए ना। जल गई? नहीं नहीं। हाँ नहीं 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 जली ना। जलती छोड़ गई ये तो, अभी कुकर रखा था चालू, चालू गैस भी छोड़ के चली जाती है। अब दूध रखा तही सेक्टर चलेगी, दूध पतीला काला कूला हो गया, चल के चली जाती है। सच्चाई है, वो तो हो जाते कहीं, वो तो किसी के साथ भी होते हैं, एक्सीडेंट है। एक बार मैं गुलाबी बाग में चल के धुआं निकला, ऊपर वालों ने फोन करा कहाँ हो आपके यहाँ, तो नहीं पाली को तो इनकी बीवी के साथ होता है ना, वो बेवकूफी होती है। तो मैंने कहा मैं तो करोल बार हूँ, कहते आपका धुआं निकल रहा, मैं फटाफट बाग ही देखा तो अल्लाह पतीला भी साफ नहीं हुआ, पता चल गया सबसे हो जाती है। तो तेरे से ही होती है, तेरे से तो बार बार होती है। अब क्या तेई सेक्टर घुमाई, मोमोज खरीद आई और चिली चिकन खरीद आई, माल खरीद आई, अभी तो याद आ गया। हमारा ये है कि घर से निकलने पहले स्विच मोटर सारा कुछ। नहीं नहीं, मोटर भी कई बार बार बाढ़ आ जाती है हमारे यहाँ पे, चालू छोड़ जाती है। सारी जिम्मेदारी मेरी है, और क्या, तू चला, तेरी जिम्मेवारी है। बताता हूँ, जो हमारे जेठालाल जी ना, जेठालाल जी को बुखार हो गया है, और बुखार होने से क्या हुआ है कि ये देखो इनका हालात कैसे है। हेलो जेठालाल, तो ये बेचारी को आज बुखार हो गया था, तो आज ये स्कूल नहीं गई है और कल भी ये स्कूल नहीं जा रही है, इसकी दो दिन हम छुट्टी कराएंगे। मतलब नॉर्मल इसने क्या किया था, गुरुद्वारे में हमने जो आइसक्रीम का स्टॉल लगाया था ना, वहां पे कम से कम 10 आइसक्रीम इसने खाई थी, तो वो असर तो कहीं ना कहीं निकलना है। 11 इसने खाई थी, उसने 10 खाई थी, तो वही चीज है। और एक इंसिडेंट भी हुआ, आपको बताता हूँ अभी 2 मिनट में। जेठालाल ये कंबल था ना, मैं चुप गया था और मैं स्पेशल आ गया, फिर चुपेगी चाहिए, मैं जाऊंगा तो कंबल हटा देगी, आ जाएगी, और फिर मैं छुपा वहां पे और फिर आ गया तो इसको दिखा दिया। हाँ भाई जेठालाल, तो आपको एक बात बताता हूँ, आज ना एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ। खतरनाक इंसिडेंट ये कि जिस स्कूल में कीरत पढ़ता था ना पहले, रोटरी पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे हमारे जो पास के लोकल गुरुद्वारे के भाई साहब है सेक्टर 22 में, गुरमीत जी, तो उनकी बेटी भी पढ़ती थी और सेम कीरत की क्लास पे थी, सेकंड पे। वो सुबह उसको स्कूल छोड़ने गए, तो वहाँ पे मतलब वो स्कूल के बाहर पहुँचे, उनकी बेटी आगे थी और बेटा पीछे था, तो सिलेरियो गाड़ी ने आके हिट किया, तो उनका बेटा और वो लेफ्ट साइड को गिर गए और बेटी राइट साइड को गिरी। और मतलब सिलेरियो वाला क्या करने लगा, बेवकूफ़ आदमी, भागने की कोशिश करने लगा, उसने गाड़ी को बैक कर दिया और जो लड़की थी उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के निकाल दी, और उस बच्चे की, 7 साल का बच्चा था, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जब से ये इंसिडेंट सुना था ना, तो बाप रे, मतलब दिल कहते ना कांप गया था। और मतलब यार इतनी मतलब ध्यान से चलानी चाहिए ना गाड़ी, ये लोग समझते नहीं हैं मतलब। और फिर स्कूल में अगर तेरे से टक्कर लगी भी है तो रुक जाना चाहिए, और भाग रहा है, और उसके ऊपर पता नहीं पुलिस ने जो चार्ज लगाया है वो नेग्लिजेंसी ऑफ ड्राइविंग का लगा दिया है, और आई थिंक उसको अरेस्ट किया और कुछ फाइन करके छोड़ देंगे। और उन्होंने बताया कि वो अल्कोहलिक था, उसने नशा किया हुआ था, तो हमारा जो इंडिया का जो कानून है उसमें क्या है कि अगर आपने नशा किया हुआ है तो आपको छूट मिल जाएगी, आपको नेग्लिजेंसी का चलान काटेंगे और छोड़ देंगे, ये सीन होगा। तो मतलब उसकी तो बिच्ची चली गई, और सबसे बड़ी बात उनको जो गुरमीत जी है जो उस बच्चे के फादर थे, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी एक्सपायर हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनके भी सिर पे लगी थी चोट, तो वो आईसीयू में एडमिट है, और बच्चे को, छोटे बच्चे को एक भी खरोच नहीं आई, जो बेटा था उनका। बट यार बहुत ही मतलब कहते हैं ना दुख भरा इंसिडेंट था, मैं बाहर था बट मुझे बताया अभी प्रीति ने, जब मैं घर आया हूँ तो सुन के ना बड़ा शॉकिंग सा लगा। प्रीति उसके अंतिम संस्कार पे गई भी थी, और स्कूल को भी चाहिए, ये जब कीरत के टाइम पे थे हम तब भी बोलते थे, स्कूल का जो मैनेजमेंट है ना उनको भी चाहिए कि सुबह जब स्कूल लगता है और जब छुट्टी होती है प्रॉपर स्टाफ को डिप्यूट करना चाहिए,
प्रॉपर पार्किंग स्टाइल से जो होती है प्रॉपर तरीके से करवा के बच्चों को लेके जाना चाहिए। सिस्टम नहीं है स्कूल का भी, ये बात भी पक्की है। बस यार ये बहुत दुख वाली बात थी, तो मेरे को थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये गुड़गांव के काफ़ी न्यूज़ में भी आया है, सब कुछ आया है, बट हम लोग यही अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस बंदे को सख्त से सख्त सजा मिले, ज़रूर मिले और मिलनी चाहिए। हाँ भाई चल अंदर पढ़ ले। और बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और दिल्ली में खूब बाढ़ आई हुई है, सब तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। और आज रात को अगर बारिश हो गई ना तो बहुत तेज़ी से और पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा और उम्मीद है कि इंडिया गेट तक भी पानी पहुंच जाएगा। क्या कह रहा है? दिल्ली ख़त्म नहीं होती भाई, दिल्ली दिल वालों की है। शैम्पू दे मुझे शैम्पू जल्दी से। हेलो शैम्पू दे। हाँ वही दे दे। तुम क्या हुआ, मैं शैम्पू क्यों मांग रहा हूँ? आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले मैंने हेयर वॉश करे थे, जब मैंने सिर वॉश करा ना तो इसने मुझे बोला, मैं कहा शैम्पू का है, अंदर पड़ा है। मैं अंदर गया, वो अंदर एक वाइट कलर की बॉटल पड़ी थी डब की, मैंने वो निकाला, 5-7 बार सिर पर डाला, झागी ना बने। फिर मैंने देसी साबुन लिया, उससे सिर धो लिया, सिर धो के बाहर आ गया। मैं कहा यार प्रीति समझ नहीं आया, वो झागी नहीं बन रही थी, बाद में पता लगा। कह रही है वो कंडीशनर था, तुम कंडीशनर से सिर धोए हो। तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा से हेयर वॉश करूंगा, चंदन आ रहा है, फिर से मालिश कराऊंगा सिर की बड़ी अच्छी सी। जल्दी से फटाफट कहाँ है? हेलो कहाँ पड़ा है शैम्पू? वो दीवार पे पड़ा है। वो यार मुझे तू 1-1 रुपए वाले पाउच दे दे, मैं गरीब सा बंदा हूँ, उसी से धो लूंगा। आप सबको सबसे अच्छा स्पेशल शैम्पू देते हैं। हाँ दे मुझे दे। चलो वाओ का देते जो बहुत अच्छा है। और ये हमारे लिए आ गया है अचार, ये भेजा है मिन्नी ने, कौन सा पता नहीं, अभी खोल के देखेंगे। आम का अचार है, पाली वो बता रही है, अभी ये अचार खोल के देखेंगे इसमें कौन सा अचार आपको दिखाएंगे। और आपने अगर ऑर्डर करना है ना तो नीचे नंबर आ रहा है मिन्नी का, फटाफट जाओ और अचार ऑर्डर कर दो। बस कुछ ही दिन बाकी रह गए आम के अचार के, नहीं तो इसके बाद नहीं मिलेगा। शैम्पू दे दे भाई। कहाँ है शैम्पू? ये शैम्पू है। हाँ और दे ये। जो तेरे पुराने घिसे पिटे शैम्पू सब मुझे दे दे, मैं सिर वॉश कर लूंगा अपना। कौन सा लाया था मैं, कहाँ से लाया था? ओ भाई कोरिया गए, मुझे 4 साल हो गए हैं। शैम्पू सिर एक्सपायर कर देगा मेरा, मैं नहीं लगाऊंगा। तुम मुझे 1 रुपए वाला पाउच दे दे भाई, मैं नहीं करूंगा भाई। कोरिया से आए, 4 साल हो गए हैं, एक्सपायर हो गया होगा, 2 साल तो कोरोना में कट गए हैं। नहीं भाई नहीं, इसके पास कोई भी चीज दे दो वो अंदर संभली रहेगी, खत्म नहीं होगी, ना खुद लगाएगी ना किसी को लगा देगी। हाँ हंस क्या रही है, अब सिर धो के आपको मिलते हैं। भाई हम आ गए हैं नहा के और सिर को वॉश करके अच्छे से, बस अब चंदन की वेट हो रही है, चंदन आएगा और मस्त है ना तेल मालिश करेगा अच्छे से, चंपी करेगा और खाना खाएंगे, चंपी कराएंगे और गंगी करेंगे और फिर सो जाएंगे। टाइम हो चुका है रात के 9:30। चंदन भाई साहब का अभी तक नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब पता तो है डैडी के साथ है, आ रहा है और सुबह डैडी ने जाना है, और सुबह डैडी ने जाना है लखनऊ, हमारा तो रह गया, डैडी जा रहे हैं। हाँ सुना भाई, शायद ही सुना। रोटी रखी थाली में, की रोटी रखी थाली में, पापा की पड़ी जाके गिरी नाली में। ओए देख लो भाई क्या बोल रहा है, चल रहा है भाई सूप, बीमार लोगों को मिल रहा है सूप और इनकी आड़ में हम लोगों को भी मिलेगा सूप। ये क्या है? अच्छा मेरे को लगा ये भी पीना तुझे। ये क्या था? कावा। अब पीरी सूप, कावा तो टेस्टी होता ही है। मतलब धमकी से बोल रही है, बता देना। जैसा भी होगा वो फ्रेंकली बता। हाँ बता दे। अच्छा बना है। सही में पाली बो कह रही बता ही देती हूँ, कल नहीं तो कल को रोटी नहीं खिलाएगी। सूप नहीं पीना यार, मैं चिली चिकन खाऊंगा। तुम्हारे लिए सूप बनाया यार, सबके लिए बनाया है, साथ में गार्लिक मिर्च स्पेशल लेकर आई हूँ। फिर पेट भर जाएगा, चिली चिकन कौन खाएगा? थोड़ा सा पी ले प्लीज, इतनी मेहनत से बनाया। चलो मैं थोड़ा सा सूप पी लेता हूँ पर ब्रेड नहीं खाऊंगा, सिर्फ सूप पीऊंगा। सूप दे दे मुझे और फिर चंदन आने वाला है, मेरे सिर पे तेल भी लगाना उसने। ये बस नहा के आए हैं और ये अचार ओपन करा है हमें मिन्नी ने भेजा है, जो मैंने बताया था, नंबर नीचे आ रहा है,
जल्दी से जाओ ऑर्डर कर दो, थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। मिन्नी का नंबर है भाई, इस पे सिर्फ अचार ही ऑर्डर करना, हमारा नंबर मत मांगना, वो देगी नहीं। भाई अब हम पी रहे हैं मस्त सा सूप, बहुत स्वाद बना है, मैंने पी के देख लिया। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी, मजेदार। और प्रीति जो सूप बनाती है ना, एक से एक औसम बनाती है, मजा आ जाता है। भाई साहब क्या गहरी नींद सो गए हैं, एक्चुअली थका होता है ना सुबह का, उठ जाता है, सो गया भैया। रात के 11 बज चुके हैं और चंदन को फिर पकड़ लिया, अभी सिर पर तेल लगाएंगे और आपको ये व्लॉग को एंजॉय कराएंगे। आहा, चश्मा डाल दूँ भैया, हाँ चल मस्त तेल लगा। ओए ये पता दोबारा तेल को लग रहा है, तेल की वेस्टेज हो रही है प्रीति की वजह से, क्योंकि उसने मुझे कंडीशनर से सिर धुलवा दिया, मैं कहूँ जाग ही नहीं आई और सिर में बदबू क्यों आ रही है, फिर भैया आज शैम्पू से धोया है, ये सारी इसकी गलती है, उधर से खड़े होकर देख रही है। बस आप लोग ऐसी गलती मत करना, ये तो शुक्र है शैम्पू है, इसने कहीं एग शैम्पू पड़ा होता ये तो मुझे एग से नलवा देती और एग शैम्पू का ऑमलेट बना देती, ऐसे भी कर सकती है ये। तू क्या बता रहा है तो आपको पता नहीं चला कि झाग क्यों ना, पता ही नहीं लगा यार, 3-4 बार कर दिया, मैं कहा पता नहीं शैम्पू खराब हो गया, मैंने साबुन से सिर धो लिया, फिर मैं आया बाहर, ये कह रही है बाल ऐसे सिल्की सिल्की से हो रहे थे, मैं पता नहीं क्या हुआ यार, तब समझ में आया कि कंडीशनर से सिर धो लिया। कोई नहीं, चलता है भाई लाइफ में, सब चीज फन करने चाहिए। यहाँ पे चल रही है न्यूज, दिल्ली डूबने लगी है और यहाँ सारे दर्शक बैठे हुए हैं, न्यूज देख रहे हैं, एक दर्शक और आ गए और ये तेल लगाते लगाते देख रहा और खुश हो रहा है, हंसता रहे रास्ता जा रहा, देखियो। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है लाइक कमेंट एंड शेयर। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, बिकॉज कीरत सो चुका है, तो आज मैं वीडियो में एंड कर रही हूँ, तो बाय बाय, गुड नाइट।